आज का टॉपिक है योग एवं स्वास्थ्य, आचार्य श्री राम शर्मा जी के विशेष संदर्भ में। तो सबसे पहले योग की क्या व्याख्या लिखी है गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? किसी को पता है? योग का अर्थ, जैसे हमने बताया था आपको, 20 नंबर 40 नंबर के वाङ्मय विशेष रूप से योग से संबंधित है। और भी अखंड ज्योति में गुरुदेव ने योग के बारे में लिखा हुआ है। तो एक सिंपल सा अर्थ किया गया है अखंड ज्योति में, योग का अर्थ है मिलाना। जैसे हम कहते हैं ना, आप अपने आप को ईश्वर से मिलाना, तो वो सिंपल अर्थ है उसका, वही अर्थ गुरुदेव ने दिया है। अब अष्टांग योग की जो बात करी है, क्योंकि यहाँ हमें केवल गुरुदेव का संदर्भ लेना है, तो अष्टांग योग के बारे में स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ गुरुदेव ने क्या कहा है अष्टांग योग के संदर्भ में, उसको हमें लेना है। तो सबसे पहले लिखा है 5 यम के बारे में। तो यहाँ यम शब्द जो लिखा है, तो अखंड ज्योति में इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि यम मतलब कोई यमराज से इसका कोई मतलब नहीं है, केवल जो सभी 5 व्रत है उनको एक संज्ञा दी गई, उसे यम कहा गया। तो जो 5 व्रतों के लिए एक संज्ञा है वो है यम। अब उसमें आगे एक के बाद एक अहिंसा, तो अहिंसा में भी यहाँ लिखा है गुरुदेव ने, अहिंसा का अर्थ है न मारना, न सताना, न दुख देना। तीनों चीजें इसमें जरूरी है, केवल न मारना नहीं, न मारना न सताना, बिना मारे भी सताया जा सकता है। तो न मारना, न सताना, न दुख देना, है ना, दुख दिया हो किसी ने किसी को तो वो भी एक तरह की हिंसा ही है। तो यहाँ बहुत अच्छी अहिंसा की डेफिनेशन दी है, न मारना, न सताना, न दुख देना। फिर आगे लिखते हैं, बैर त्याग कर प्रेम भावना को, आत्मीयता को प्रमुख स्थान देते हुए बुराई का मुकाबला करना अहिंसा है। अहिंसा की एक और व्याख्या दी है, ये भी बहुत अच्छी है और अलग है थोड़ी। आप लोगों ने योग की किताबें पढ़ी होगी, तो उससे अलग हटके कुछ चीजें यहाँ व्यवहारिक चीजें मिलेगी आपको। अगर गुरुदेव का साहित्य पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ व्यवहारिक चीजें, आज के समय के अनुरूप की कुछ चीजें मिलेगी, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आज वही हमें चर्चा करनी है। बैर त्याग कर, जो भी बैर है, किसी ने किसी का बुरा कर दिया तो उससे बैर हो गया, द्वेष हो गया, तो बैर त्याग कर प्रेम भावना को, आत्मीयता को प्रमुख स्थान देना। सबसे प्रमुख किस चीज को देना है? प्रेम भावना और आत्मीयता को। बुराई का मुकाबला करना, ऐसा नहीं कि बुराई का मुकाबला नहीं करना है, बुराई का मुकाबला तो जरूर करना है। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बुराई का मुकाबला ना करना, मुकाबला जरूर करना है, पर बिना बैर के, प्रेम भावना से, तो वो अहिंसा है। किसी को प्रश्न हो तो आप बीच में ही माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, क्योंकि आप जो योग के स्टूडेंट्स हैं वो तो पूछ भी लेंगे अपने टीचर्स को कुछ ना कुछ, लेकिन जो योग के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए भी अच्छा मौका है योग के बारे में जानने का, योग के असली स्वरूप को जानने का, और गुरुदेव ने योग पर क्या कहा है उसको जानने का। इसलिए सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से सुने, और जहां भी आपको प्रश्न होता है आप तुरंत माइक को अनम्यूट करें और प्रश्न करें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? अगर चैटिंग में लिखेंगे हो सकता है ध्यान ना जाए, लेकिन प्रश्न करने के लिए आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जिससे लोक हित हो वह सत्य और जिससे अहित हो वह असत्य है।
यहाँ बहुत ही व्यवहारिक व्याख्या दी है कि सिर्फ झूठ न बोलना वो सत्य का पालन नहीं है। कभी कभी लोगों के हित में अगर झूठ हो तो वो भी सत्य ही है। तो मुख्य रूप क्या देखना है, हित हित किस में है, लोकहित, जो हित में है वो सत्य है ना। सत्य को बड़े स्तर पर देखना चाहिए कि जिससे हित हो। यम की दूसरी सीढ़ी सत्य बोलना नहीं है, सत्य परायण होना है, मतलब कि उसके अनुसार जीना है। सिर्फ हम झूठ नहीं बोलेंगे, बस उतना हमने मन में रख लिया है, तो वो सत्य का पालन नहीं है। सत्य परायण होना मतलब क्या हुआ? सत्य परायण होना का मतलब हुआ कि उसी अनुसार जीवन जीना, है ना। कि हमने क्या किया कि भाई झूठ तो बोल दिया, लेकिन झूठ का हमारा मकसद अच्छा था, किसी का हित हो जाए ऐसा था। जैसे एक कहानी आती है ना कि ऋषि मुनि से रास्ता पूछा बाघ ने, तो उन्होंने गलत रास्ता दिखा दिया कि वो गाय कहाँ गई है, वो गाय के पीछे उसका शिकार करने के लिए आया था, तो गलत रास्ता दिखा दिया है। तो फिर पूछा गया कि ये तो झूठ है, झूठ नहीं है ये, इसमें ये हित छुपा था, गाय को बचाना हित था, है ना। तो इसलिए उस वो झूठ को झूठ नहीं है, अपना इंटेंशन क्या है ना। हम अगर सच भी नहीं बोलते हैं, और दूसरा हम जब झूठ बोलते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए अगर बोलते हैं तो वो सत्य परायण होना नहीं है, है ना। अगर हमारा स्वार्थ नहीं है, हम किसी अच्छे उद्देश्य से झूठ भी बोलते हैं तो वो भी सत्य परायण होना ही है। तो सत्य परायण होना ज्यादा जरूरी है, सच बोलना या झूठ बोलना उससे कोई मतलब नहीं है। फिर अस्तेय, अस्तेय का वास्तविक तात्पर्य है अपना वास्तविक हक खाना। देखो ये भी कितनी व्यवहारिक व्याख्या दी है कि चोरी न करना ऐसा एक साधारण अर्थ है, तो यहाँ उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस तरह से दिया है कि जिसे अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अस्तेय का वास्तविक तात्पर्य है अपना वास्तविक हक खाना। अपना वास्तविक हक क्या है? अपना वास्तविक हक है कि जितना हमारे लिए जरूरी है वही, है ना, जो हमारे हमारे लिए आवश्यक है, और जो हमारे ईमानदारी से कमाया हुआ है ना। किसी के हक का नहीं, दूसरे के हक का नहीं। तो कुछ भी हो जाए, विचारों की भी अगर हम चोरी करते हैं, किसी ने नोट्स बनाई है और बिना पूछे ही हम उसको कॉपी कर देते हैं, तो वो भी एक तरह की चोरी है, वो भी अस्तेय है। और वास्तविक हक क्या है कि भाई अपनी बुद्धि से हम जितनी नोट्स बना पाए उसी को हमने लिखा, उसी को हमने पढ़ा, या किसी की परमिशन लेके हमने उनकी नोट्स को पढ़ा, चोरी छुपे नहीं। इसी तरह से किसी के आइडियाज को हमने चोरी छुपे नहीं ले लिया, उससे पूछा कि भाई ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है, हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना जो भी अपना वास्तविक हक है, जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, जो हमने मेहनत से कमाया है, वो वास्तविक हक को खाना वो है अस्तेय, मतलब कि चोरी ना करना। स्वयं चोरी से बचना तो आवश्यक है ही, साथ ही दूसरों को भी बचाना चाहिए। इसके ऊपर ज्यादा भार दिया हुआ है कि दूसरों को भी चोरी से बचाना चाहिए, है ना। क्लास में चोरी हो रही है, हम तो नहीं चोरी कर रहे हैं, पर चोरी जो चल रही है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम खुद किसी को पूछते नहीं है, पर हमें कोई पूछता है तो हम उनको बता देते हैं, तो ये भी गलत है, वो चोरी को बढ़ावा देना ही हुआ। तो ना हमें चोरी करनी है, ना किसी को मदद करनी है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। फिर है विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोगों की जो एज है उसके अनुसार उसकी जो शिक्षा है वो कई बार आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे पाएंगे किसी न किसी झिझक के कारण, कभी ये अपने बड़े भाई बहन भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य की जो विद्या है उसको ब्रह्म विद्या माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है, साफ लिखा हुआ है महर्षि वेद व्यास ने कि भाई जो हमारे जो जनेंद्रिय है उसका जो संयम है वही ब्रह्मचर्य है। पर यहाँ पर थोड़ा व्यापक अर्थ लिया गया है कि विषय मात्र का निरोध, जहां जहां विषय भागता है, काम वासना हो, चाहे स्वाद के लिए
हमारा मन भागता है, या किसी और चीज में हमारा, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, जहां जहां भी विषय भागता है उसका निरोध करना ब्रह्मचर्य है। तो ये गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी व्याख्या दी है ना। और विषय में ये बहुत ही बड़ा विषय होता है, काम वासना है वो भी बहुत बड़ा विषय होता है, इसलिए उसका स्थूल अर्थ भी यही किया गया है कि काम वासना से बचना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य, और यहाँ पर गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य का बहुत ही सरल और बहुत ही व्यापक अर्थ दिया है। सब लोग सुन रहे हैं ना? यस सर, ओके जी सर, ओके, चलो बहुत अच्छा। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह या इकट्ठा न करना, है ना। अस्ते मतलब चोरी ना करना, और ये अपरिग्रह मतलब संग्रह ना करना। यदि हम परमात्मा पर विश्वास रखें तो जानेंगे कि वह हमें हमारी जरूरत की चीजें रोज रोज देता है, और वो देता रहेगा। ये यहाँ आपको बीच में आता होगा, ये मीट का। तो अगर भगवान पर हमें विश्वास है तो बहुत ज्यादा संग्रह करने की जरूरत ही नहीं है। और अपरिग्रह ऐसी चीज है जिसको जितनी ज्यादा मात्रा में हम अपना सके। संपूर्ण अपरिग्रह तो मुझे लगता है आजकल के जमाने में बहुत ही कठिन या असंभव जैसा है, पर इतना है कि बहुत ज्यादा संग्रह ना कर ले, हम थोड़ा कम संग्रह करें। जिनके पास 20-25 जोड़ कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, 20-25 जोड़ घर में पहनने के कपड़े हैं, तो वो थोड़ा कम करे, है ना। 20-25 से वो 10-15 में ले आए, तो वो भी उनके लिए अपरिग्रह हो जाएगा। एकदम सिर्फ दो कपड़े में चलाना तो बहुत ही मुश्किल है। गुरुदेव ऐसा करते थे, सिर्फ दो कपड़े में चलाते थे। इसी तरह से हमारे पास जो पेन होती है, बहुत सारी कॉपी होती है, और भी बहुत सारी चीजें, कुछ लोगों के पास मोबाइल भी बहुत सारे होते हैं, तो इस तरह का हम जो फालतू संग्रह करते रहते हैं, उसके रख रखाव में स्ट्रेस पैदा होता है, वो खराब हो जाए तो उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस पैदा होता है। तो इन सब चीजों से अगर बचना है, योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो इन सब का टेंशन लेने के बजाय अपरिग्रह को अपनाते हुए उतना ही रखे जितना आवश्यक हो, तो हमें आसानी से योग में मन लग जाएगा, आसानी से हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर फोकस कर पाएंगे। वरना क्या है, भौतिक प्रगति के लिए जितना आप संग्रह करेंगे उतना कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए उतना आपको कार्य करना पड़ेगा, और कुछ लोग तो उसके कारण फिर बेईमानी पर भी उतर आते हैं कि इतना तो पैसा चाहिए ही, चाहे ईमानदारी से मिले चाहे बेईमानी से, तो वो बेईमानी भी करने लग जाते हैं। तो वो सारा चीजें आपको आध्यात्मिकता से दूर ले जाता है, योग से दूर ले जाता है। इससे अच्छा है कि कम से कम चीज में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कम से कम चीजों में सादा जीवन उच्च विचार। तो ये अपरिग्रह का यहाँ पर अर्थ रखा गया है, और भगवान के ऊपर विश्वास रखने को कहा है कि बहुत ज्यादा संग्रह ना करें। लगता है कंप्यूटर हैंग हुआ है। हाँ ओके, चलो हो गया। पांच यम में किसी को कोई प्रश्न है? लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। कभी भी आप पूछ सकते हो। अभी अगर सबके बीच में पूछने में झिझक हो रही है, संकोच हो रहा है, तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पांच नियम। शौच। शौच का अर्थ है पवित्र। शरीर और मन दोनों की पवित्रता से वास्तविक अर्थ पूरा होता है ना। वैसे जनरली हम बाह्य पवित्रता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने कपड़े स्वच्छ हो, स्नान वगैरह हम करें नियमित रूप से, वो तो जरूरी है ही, पर आंतरिक पवित्रता को भी गुरुदेव ने उतना ही
महत्व दिया है। सोच के बाद संतोष, जैसी भी भली बुरी परिस्थिति सामने हो उसमें प्रसन्न रहना संतोष का तात्पर्य है। संतोष का मतलब है, देखो एक तो अपरिग्रह आ गया कि हम कम चीजों में चलाएंगे, अब यहाँ क्या है, भली या बुरी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति भी हो सकती है, उसमें अगर हम संतोष रखते हैं, उसमें प्रसन्न रहते हैं, तो वो संतोष है। फिर है तप, तप का तात्पर्य कष्ट सहना है, ठंडी गर्मी को सहन करना। आप जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कष्ट आता है, कोई बड़े काम में कष्ट जरूर आता है, तो उसको सहन करना तप है। फिर है स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप पढ़ना और अपने बारे में पढ़ना। एक तो होता है सत्संग, जो गुरु आपको पढ़ाते हैं तो वो सत्संग है, और अपने आप पढ़ना, हम खुद जो पढ़ते हैं वो स्वाध्याय है। तो एक अर्थ हुआ अपने आप पढ़ना, और दूसरा अपने बारे में पढ़ना, स्व का अध्ययन, कि हम किस स्तर तक पहुंचे हैं, हमारा क्या स्वरूप है, हम क्या है। तो जो अध्यात्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो भी स्वाध्याय है। फिर है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को स्थापित करना, हृदय में कहते हैं ना ईश्वर को स्थापित करो, तो अगर वो ईश्वर स्थापित हो गए, अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हमारे हृदय में है ईश्वर, तो हमसे कोई बुरा काम नहीं होगा, और फिर हमें योग में एकाग्र होने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो सतत अपने अंदर ईश्वर को धारण करके रखना, क्योंकि क्या है, तुरंत गायब हो जाते हैं, जैसे ही हमारे विचार कहीं और गए, भौतिकवाद की ओर गए, तो फिर वो हम अनुभूति नहीं कर पाते हैं कि हाँ हमारे हृदय में ईश्वर है। तो उसको धारण करके रखना, बनाए रखना, स्थापित करना। यम एवं नियम का महत्व। यम नियम की साधना से योग द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां सहज ही मिल जाती है। जो भी सिद्धियां होती है, अष्ट सिद्धियां बताई गई है, वो यम नियम की साधना से वो सरलता से मिल जाती है। चाहे हठ योग बहुत ज्यादा करो या ना करो, आसन प्राणायाम वगैरह, लेकिन यम नियम से वो सिद्धियां आपको सहज ही मिल जाती है। यम नियम पर चलने से मनुष्य के सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं, यही मेन है। जो अगर इस तरह के नियमों का पालन करेंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, है ना, इस तरह से जो पांचों यम का, पांचों नियमों का पालन करेंगे, तो वो मुख्य है हमारे जीवन में, तो उसी से सुख मिलेगा, है ना। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, तो इसलिए यम नियम पर चलने से मनुष्य के सकल मनोरथ, जो भी आपके मनोरथ हैं, जो भी आपको इच्छा है, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। यदि यम नियम का आंशिक पालन भी नहीं किया जाए, तो योगासन व्यायाम का ठीक ठीक लाभ नहीं मिल पाता। अब से धीरे धीरे हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि ये पहला यूनिट है, ये जो यूनिट है वो शारीरिक स्वास्थ्य का यूनिट है, तो ज्यादा हमें फोकस शारीरिक स्वास्थ्य पर ही करना है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसके बाद वाला यूनिट है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी एक यूनिट है, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी यूनिट है, तो ज्यादा हमें यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य पर फोकस करना है। तो यदि यम नियम का आंशिक पालन भी नहीं किया जाए, तो योगासन व्यायाम का ठीक ठीक लाभ नहीं मिल पाता है। हठ योग हम करते हैं, आसन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, पर अगर यम नियम का आंशिक पालन भी ना किया जाए, मतलब पूरा पालन करना तो बहुत कठिन है, लेकिन बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया उसको कि नहीं हम तो भाई झूठ का सहारा लेंगे, अनीति का सहारा लेंगे, हिंसा भी करेंगे, सोच का ध्यान नहीं रखेंगे, पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, भौतिकवाद में ही लगे रहेंगे, बहुत सारा संग्रह करेंगे, ये सब चीजें अगर हम करेंगे, और फिर अगर हम आसन करने बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, मुद्रा बंद वगैरह करते हैं, तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा तो आंशिक तो पालन करना ही पड़ेगा, और ज्यादा अगर पालन कर पाओगे तो व्यायाम का लाभ अच्छा मिलेगा, योगासन का लाभ अच्छा मिलेगा। अब हठयोग के बारे में,
1984 की अखंड ज्योति में दिया है। ये सारा चीज आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है, ये वेबसाइट से ही स्क्रीनशॉट लिया गया है। हठ ऐसे आग्रह को कहते हैं जिसमें अपनी बात मनवाने के लिए जिद ठानी गई हो, समझौते या परिवर्तन की गुंजाइश न रहने दी गई हो। हठयोग शब्द से तात्पर्य ऐसे ही साधनों से हैं जिसमें प्रवाह, प्रचलन, अभ्यास की परवाह न करते हुए जो चाहा है वही कर गुजरने का निश्चय किया गया है। यह दबाव अपने ही शरीर पर, मन पर डालने का हठयोगी प्रयत्न करते हैं। हठ, हठ है ना, जिद, कि जिद है, बस करना है तो करना है। तो यहाँ हठयोग का इस तरह से अर्थ लिया गया है कि एक हमने निश्चय कर लिया, बस वो हमें करना है। सामान्यतः यही प्रतीत होता है कि प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करने से विग्रह एवं संकट खड़ा होगा, ऐसा होता भी है। पर जब इसे वैज्ञानिक विधि से साथ साथ संपन्न किया जाता है तो हानि से बचते हुए अतिरिक्त लाभ उठाने का अवसर मिलता है। अगर वैज्ञानिक रूप से हठयोग को किया जाए तो उसमें लाभ होगा, हानि नहीं होगी, है ना। पर बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिर्फ हठ पकड़ लिए, कोई भी चीज को जाने बिना, जैसे हाथ ऊपर करके ही खड़े हैं और पता ही नहीं है हमें कुछ, साइंस, हमें फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और बस हमने खट पकड़ ली कि हम हाथ खड़ा रखेंगे, तो सब लोग उसमें नहीं सफल हो पाते। कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, कुछ लोग, इसी अखंड ज्योति में लिखा है, कुछ लोग बैठते ही नहीं है, खड़े ही रहते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है दिन रात खड़े रहना। तो वो विद्या, उनके पास कोई विशिष्ट विद्या होती है इसलिए वो कर पाते हैं। पर यहाँ गुरुदेव ने वैज्ञानिक विधि की बात करी है कि हठयोग में वैज्ञानिक विधि बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने में ध्यान नहीं रखते हैं, फिर जो है हड्डियां टूट जाती है, या कभी कभी तो परमानेंट डिसेबिलिटी भी आ जाती है ना। कौन सा आसन कब नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजों को पहले जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वैज्ञानिक विधि के साथ साथ धीरे 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 प्रगति होती है हठयोग में, तो वो नुकसान नहीं करेगा, वरना नुकसान कर सकता है। नेति, धोती, वस्त्री, वज्रोली, कपालभाति आदि क्रियाओं में अवयवों से उनके सामान्य क्रियाकलाप से भिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते हैं। उनके प्रथम प्रयासों में अड़चन प्रतीत होना, कष्ट अनुभव होना स्वाभाविक है, पर जब मनोबल पूर्वक उन्हें अभ्यास के लिए धीरे धीरे सधाया जाता है तो वे भी सर्कस के जानवरों की तरह ऐसे कृत्य करने लगते हैं जो उनकी प्रकृति या परंपरा में सम्मिलित नहीं है। पहले ये सब चीजें बहुत मुश्किल लगती है, फिर धीरे धीरे उसमें अभ्यास के द्वारा वो सारी चीजें आप कर पाते हो। योग के कोई स्टूडेंट अपना अनुभव बताओ कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो तब आपसे कोई सत्कर्म ना हो रहा हो या कोई कठिन आसन ना हो रहा हो, और 4 सेमेस्टर बाद अब चौथे सेमेस्टर में आपको वो आसानी से हो रहा हो, ऐसे कोई स्टूडेंट है जो ये जो गुरुदेव ने लिखा है ऐसा कुछ अनुभव किया है किसी स्टूडेंट ने? यस सर। बताओ शुभ्रा। सर मैंने ये नीति वगैरह का तो नहीं किया, पर मेरे शीर्षासन हैंडस्टैंड नहीं होता था हाथ जो कि पर, अब लगने हाँ लगा है। अब हाथ पर भी कर रही हो। आवाज नहीं आ रही है, बहुत अच्छा। हाँ अब हाथ पर भी कर सकती हो ना शीर्षासन। चलो कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही है, पर हाँ जी सर, अब हो जाता है, सिर्फ हो थोड़ी शायद लेट जा रही है शासन भी हो आवाज, कोई जाता है, बात नहीं, हैंड स्टैंड भी हो जाता है, पहले नहीं हो पाता था। पहले नहीं होता था। बहुत अच्छा बताया। और ये मैंने देखा है कि ये योग के स्टूडेंट्स के अंदर, यहाँ वातावरण के कारण, अपने जो सर्कल है उसके कारण, ये सारी चीजों का प्रयास स्वतः ही होता है। शीर्षासन में भी करता हूँ, लेकिन वही, कभी हमने हाथ पर ज्यादा प्रयास ही नहीं किया, हाथ से होता ही नहीं है, और ज्यादा उसके लिए प्रयास भी नहीं किया, तो आज भी हाथ से नहीं होता है, वरना शीर्षासन में कई सालों से कर रहा हूं। और वही नीचे तकिया रख के उसके ऊपर सिर के बल पर पूरा शीर्षासन करते हैं, हाथ
के ऊपर नहीं हो पाता है। तो यही है कि अभ्यास, बार बार अभ्यास करना, और वो भी वैज्ञानिक विधि से जैसा बताया गया है, वरना शीर्षासन भी खतरनाक हो सकता है। पूरा अगर भार अगर गले में आ गया तो वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। फिर आगे लिखा है, मानवीय काया का ढर्रा एक क्रम के अनुसार घूमता है, अवयवों की सामर्थ्य भी एक सीमा तक है, पर वह सब अभ्यास क्रम पर निर्भर है। इसे पत्थर की लकीर नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कुछ आसन तो हमसे होंगे ही नहीं, बदलने का निश्चय कर लिया जाए और उसके लिए क्रम व्यवस्था का सुनियोजित मार्ग अपनाया जाए तो वैसा परिवर्तन कठिन होते हुए भी असंभव नहीं है। 100-100 साल के जो बूढ़े लोग भी कठिन आसन करते देखे गए हैं अभ्यास के द्वारा, है ना, छोटे बच्चे भी अभ्यास के द्वारा कुछ कठिन आसन कर लेते हैं। तो धीरे 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 अभ्यास किया जाए, जो आसन हमसे नहीं हो पा रहे हैं वो धीरे 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 करके। उसमें लिखा है कि व्यवस्था का सुनियोजित मार्ग, धीरे धीरे धीरे, एकदम से नहीं, अचानक से, धीरे धीरे करके आप कठिन आसनों को भी कर सकते हो। शारीरिक दृष्टि से देखें तो आसनों से शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित होती है। सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, उसकी जो प्रणाली है वो बहुत अच्छे से होने लग जाती है। परिणामतः सभी ग्रंथियों से उचित मात्रा में रस का स्राव होने लगता है। ध्यान, रस मतलब ये जो हॉर्मोन्स है। ध्यान देने की बात यह भी है कि मांसपेशियां, हड्डियां, स्नायुमंडल, ग्रंथि प्रणाली, श्वसन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, रक्त संचरण प्रणाली सभी एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ हम केवल एंडोक्राइन केन की बात कर रहे हैं, तो वो दूसरी सारी जितने भी तंत्र हैं उस सब पर उसका असर पड़ता ही पड़ता है। आप अगर सर्च करोगे कि ये जितने भी हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं उसका अलग अलग सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब अगर देखोगे तो वो नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो एक दूसरे से संबंधित है। तो एक से शुरुआत होती है लेकिन उसका असर धीरे धीरे सब में होता है। वे एक दूसरे के सहयोगी है। आसन के अनेक प्रकार शरीर को लचीला तथा परिवर्तित वातावरण के अनुकूल बनाने के योग्य बनाता है। इनके प्रभाव से पाचन क्रिया तीव्र हो जाती है, उचित मात्रा में पाचक रस तैयार होता है, अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका प्रणाली में संतुलन आ जाता है। फलस्वरूप इनके द्वारा बाहरी और आंतरिक अंगों के कार्य ठीक ढंग से होने लग जाते हैं। एकदम सिस्टेमेटिक सब समझा दिया है कि क्यों आसन करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको सोचना चाहिए कि भी इससे क्या लाभ होगा। तो ये बता दिया गया है कि किस तरह से धीरे धीरे करके आपके आपका स्वास्थ्य योग के द्वारा, आसनों के द्वारा बढ़ता जाएगा। शरीर के साथ आसनों की क्रियाएं मन को भी समर्थ एवं शक्तिशाली बनाती है। हालांकि हमें इस यूनिट में मन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, पर क्योंकि आसन की बात आई तो आसन के बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि वो मन को भी समर्थ व शक्तिशाली बनाता है। इनके प्रभाव से दृढ़ता व एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। यहाँ तक कि कठिनाइयां मानसिक शक्तियों के विकास का माध्यम बन जाती है। व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है और वह औरों के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आसनों के प्रभाव से शरीर शुद्ध होकर उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनाओं के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ इस सच्चाई को स्वीकारने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं कि आसनों से कोई आध्यात्मिक अनुभव तो नहीं होते, पर ये आध्यात्मिक अनुभवों को पाने में सहायक जरूर है। कि आसन हम करते हैं तो जो उच्च सिद्धियां हैं वो मिल जाती है ऐसा नहीं है, पर सबसे पहले अगर शरीर ही आपका कमजोर है, शरीर ही आपका बीमार है, तो वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो पाएंगे। इसलिए शुरू में आसन जरूरी हो जाता है। धीरे 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 फिर आप जो आगे के स्टेप्स है, धारणा, ध्यान, समाधि, उसी पर ज्यादा फोकस करते हैं। पर शुरू शुरू में हम लोगों के जैसे जो साधारण स्तर के साधक हैं उन लोगों को आसन जरूर करना चाहिए। आसनों के द्वारा आगे आप पहुंच सकते हो। प्राणायाम आसनों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म विधि है। यूं तो इसकी सारी प्रक्रियाएं श्वसन के आरोह अवरोह एवं उसके स्वैच्छिक नियंत्रण पर टिकी है, पर यथार्थ में वह विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा से अपना सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। आमतौर पर लोग इसे केवल अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रणाली के रूप में जानते हैं। सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भाई इससे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है, किंतु सत्य इससे भिन्न है। श्वसन के माध्यम से इसके द्वारा नाड़ियों, प्राण नलिकाओं एवं प्राण के प्रवाह पर व्यापक असर होता है। परिणामतः नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है तथा मौलिक
और मानसिक स्थिरता प्राप्ति होती है। इसमें की जाने वाली कुंभक प्रक्रिया द्वारा न केवल प्राण का नियंत्रण होता है बल्कि मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आसन कभी कभी नहीं कर पाए, कोई बीमारी है, कोई कमजोरी लग रही है, थके हुए हैं, तो प्राणायाम तो जरूर करने चाहिए। दिन में 4 बार प्राणायाम भी कर सकते हैं, तो ये शुद्धि होती है, उससे मानसिक स्थिरता आती है। पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है, चले वाते चले चीतम, है ना, वात के कारण मन चंचल हो जाता है, तो प्राणायाम करने से वो निश्चलम निश्चले निश्चलम भवेत, वो निश्चल मतलब कि स्थिर हो जाता है। तो अकेले प्राणायाम से भी आप मन को स्थिर कर सकते हैं। प्राणायाम के अलावा बंद हठ योग की अन्य महत्वपूर्ण विधि है, इससे अंतः शारीरिक प्रक्रिया कहा गया है। इनके अभ्यास से व्यक्ति शरीर के विभिन्न अंगों तथा नाड़ियों को नियंत्रित करने में समर्थ होता है। इनके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों की मालिश होती है। देखो, बंद से आंतरिक अंगों की मालिश होती है, ऐसा लिखा गया है। रक्त का जमाव दूर होता है। इन शारीरिक प्रभावों के साथ बंद संपूर्ण शरीर में व्याप्त विचारों एवं आत्मिक तरंगों को प्रभावित कर चक्रों पर सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। यहाँ तक कि यदि इनका अभ्यास विधि पूर्वक जारी रखा जाए तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के स्वतंत्र प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करने वाली ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि खुल जाती है और आध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त होता है। बंध के द्वारा भी आध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त हो सकता है। तो बंध को भी बहुत महत्व दिया गया है। अलग अलग प्रकार के जो बंध है ना, सबसे ज्यादा महाबंध, तीनों बंध जिसमें आ जाते हैं। हठयोग की एक अन्य विधि के रूप में मुद्राएं सूक्ष्म प्राण को प्रेरित, प्रभावित व नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया हैं। इनमें से कई मुद्राएं तो ऐसी हैं जिनके द्वारा अनैच्छिक शरीरगत प्रक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अनैच्छिक शरीरगत प्रक्रिया कौन कौन सी है, हार्ट बीट्स वगैरह है, तो उन सब में उसके ऊपर भी नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। मुद्राओं का अभ्यास साधक को सूक्ष्म शरीर स्थित प्राण शक्ति की तरंगों के प्रति जागरूक बनाता है। अभ्यास करने वाला इन शक्तियों पर चेतन रूप से नियंत्रण प्राप्त करता है। फलतः व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग में उसका प्रवाह ले जाने या अन्य व्यक्ति के शरीर में उसे पहुंचाने की क्षमता प्राप्त करता है मुद्राओं के द्वारा। अब लास्ट में आता है राजयोग। राजयोग विचार प्रधान है, उसमें ध्यान धारणा की प्रधानता है। हमने आसन प्राणायाम तक कर लिया, फिर एक प्रत्याहार की बात छूट गई। प्रत्याहार में भी यही है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। फिर यहाँ धारणा ध्यान समाधि की बात करी है। मनन चिंतन पर जोर दिया गया है। ज्ञान और भक्ति उसी क्षेत्र में आते हैं। कर्मयोग के लिए जिस बलिष्ठता और सहन क्षमता की आवश्यकता है, उसे उपार्जित करने के लिए तप तितिक्षा का अवलंबन लेना पड़ता है, यह हठयोग है। थोड़ा सा जो कष्ट सहना पड़ेगा बाहरी, वो हठयोग है। इसे अनुभवी विशेषज्ञों के संरक्षण में अपनी सहन शक्ति के साथ तालमेल बिठाते हुए ही किया जाना चाहिए। मनमर्जी से कुछ भी हठयोग ठान लेना लाभ के स्थान पर हानि सिद्ध होता है। तो ऐसे क्या करें कि इससे अच्छा है भाई राजयोग पर फोकस करो, है ना। कहते हैं कि सीधे कुछ लोग राजयोग से शुरुआत करते हैं, धारणा ध्यान समाधि से, लेकिन साधारण रूप से जो हम लोग जैसे साधारण साधक होते हैं, उनके लिए दोनों महत्वपूर्ण है। हठयोग भी महत्वपूर्ण है, राजयोग भी महत्वपूर्ण है। आपको आसन प्राणायाम मुद्रा बंध वो भी महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ ध्यान लगाना, है ना, जितना हो सके उतना, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान लगाने के लिए धारणा करना किसी एक जगह पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों महत्वपूर्ण है, राजयोग और हठयोग। योग साधन में समाधि की अवस्था को पर आनंदमय माना गया है। चित्त जब किसी स्थान पर रुकने लगता है तो उस किसी भी विषय में आनंद आने लग उसे किसी भी विषय में आनंद आने लगता है। यदि चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पश्चात वे निरुद्ध वृत्तियां आत्मा परमात्मा में लगती है, तब तो और भी अधिक आनंद का अनुभव होता है। इसे ही परमानंद कहते हैं। योग की सफलता इस समाधि रूपी परमानंद से आंकी जाती है। समाधि मतलब यहाँ उन्होंने परम आनंद की स्थिति को बताया है कि आप सोचो कि आप के अंदर कोई टेंशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ आप अनुभव कर रहे हो कि हाँ ईश्वर हमारे अंदर ही है। तो वो जो आनंद आता रहता है, एक लगातार आनंद आता रहता है, उस आनंद को ही समाधि कहा है। और वो आनंद सबसे महत्वपूर्ण है, उसी के लिए कहते हैं कि योग किया जाता है, तो वो आनंद आपको आने लग जाता है। तो ये सबसे
लास्ट स्टेज समाधि का है। तो योग एवं स्वास्थ्य आचार्य श्री राम शर्मा जी के विशेष संदर्भ में, इसमें किसी को कोई प्रश्न? किसी को कुछ इसमें ऐड करना है? गुरुदेव की कोई किताब पढ़ी हो या क्लास में पढ़ाया गया हो, कोई चीज छूट गई हो? अच्छा ये बताओ, चलो आज जिन्होंने भी क्लास करी है, ऐसा कुछ नया जानने को मिला जो आपको पहले नहीं पता था योग के संदर्भ में? किसी को भी कुछ भी नया नहीं मिला? फिर क्या फायदा? चलो मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं मिला, ये अपना आज का क्लास फेल गई। सर प्रभुपूज जी गुरुदेव का जो सर अभी चल रहा था तो धारणा ध्यान सर यम और नियम के ऊपर जो चल रही थी सर, तो उसमें क्या नया मिला? जो जितना जैसे उसमें पहला है शौच के बारे में जो बताया गया, तो सिर्फ बाहर बाह्य स्तर की पवित्रता उतना महत्वपूर्ण है जितना कि आंतरिक पवित्रता महत्वपूर्ण है सर। सर ऐसे पहले यम नियम की पुस्तक जो है वो मिशन की वो पढ़े थे, लेकिन आज उस पर कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हुआ सर। ऐसे बुक पढ़े बहुत तो थे बढ़िया, लेकिन आज जितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है उतना उसमें वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, यही आज नया मिल पाया। बहुत बढ़िया। चलो कोई एक स्टूडेंट भी कहता है ना, तो भी हमें लगता है कि हम जो भी मेहनत करके अलग अलग जगह से लाते हैं, और हम आपको प्रश्न करने के लिए भी पूछते हैं ताकि हम लोग चर्चा कर सके, है ना, तो इसलिए ये हम ऑनलाइन क्लास करते हैं। वरना एक तरीका ये भी है कि हम रिकॉर्ड करके रख दें उसको, और आपके जब टाइम हो तब देख लो, है ना, और फिर उसमें गूगल फॉर्म भर दो, उसमें कुछ क्वेश्चन रख देंगे ताकि आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा वो पता चल जाएगा, और उसके बेस पर अटेंडेंस दी जाएगी। तो ऐसा भी हमने प्रयोग किया है, लेकिन उसमें आपको फिर रोज रोज गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा और वो प्रश्न के जवाब देने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ हम ऑनलाइन जब चर्चा कर रहे हैं, मिले हुए हैं, आपने इतना समय दिया है, तो टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। आप लोगों की ओर से प्रश्न आते रहें, आप लोगों की ओर से कुछ अपने अनुभव आप शेयर करते रहें, या क्या सीखा है वो रोज रोज पूछना ना पड़े। कोई अपने आप ही बता दे कि भाई आज की क्लास में हमें ये चीज बहुत अच्छी लगी और ये चीज हमें नहीं अच्छी लगी, ये चीज हमें समझ में नहीं आई। इस तरह का, दोनों तरह का क्रिटिसाइज, दोनों तरह की पॉजिटिव बातें नेगेटिव बातें जो भी है वो अगर आप बता दो तो हमें आगे उसको सुधार करने में भी मदद मिलेगी, और जो हम कर रहे हैं उसमें हमें संतोष मिलेगा कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा लगा, है ना। वरना कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद एक आध दो स्टूडेंट्स के अलावा सब लोग सिर्फ चालू करके चले गए हैं, किसी ने भी सुना नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी हमें लग जाता है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कौन कौन वहां पर सुन रहे हैं। ऑनलाइन क्लास की यही सबसे बड़ी समस्या है ना। तो हेलो सर, हाँ कुछ बोलना चाह रहे? तो मैं यही कह रहा था कि हाँ सर मैं जो बोलने वाली थी ना, आप पूछे तब मेरा मतलब मैं हट गई थी नेटवर्क की वजह से। मैं ये बोल रही थी कि अभी आपने जो ये यम नियम वगैरह बताया ना, ये सब फिर से रिकॉल हो गया। जो पहले पढ़ा हुआ था सब भूल गए थे, वो अब फिर से मतलब याद आ गया, ऐसे ऐसे लगा। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और सर हाँ सभी योग का स्टूडेंट्स, भी सर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन सर लगा था उसमें, कि शुरुआत में नहीं होता है सर, लेकिन मगर हम लगातार उस चीज को करें।
मैं यही कह रहा था कि गुरुदेव का बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहा है। आप लोगों को जो प्राचीन योग के शास्त्रों में नहीं समझ में आएगा वो आप सर्च करोगे गूगल के माध्यम से, AWGP की वेबसाइट पर, तो वही चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चाहे आप योग के स्टूडेंट्स हो या ना हो, योग हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है, उसको हमें सीखना ही चाहिए। अगर आप किसी को भी पता चले कि भाई ये व्यक्ति भारत से हैं, तो उनसे अपेक्षा रहती है कि आप योग के बारे में हमसे ज्यादा जानते होंगे, तो वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। आजकल योग का इतना महत्व पूरे विश्व में है, तो हमें कुछ चीजें समझनी चाहिए। ये सारी चीजें रटने वाली नहीं है, इन चीजों को समझना जरूरी है। समझने के लिए विविध प्रकार की व्याख्याएं पढ़नी पड़ती है, और व्याख्याओं में से ये जो गुरुदेव ने उसके ऊपर विस्तार से लिखा है, व्यवहारिक जो स्वरूप उसका दिखाया है योग का, वो आपको समझने में बहुत ही फायदा करेगा। इसीलिए आपको ये पूरा बनाया गया है पेपर। इसमें हम लोग गुरुदेव के वांग्मय में से ही सब चीजें ले आएंगे और उसी पर हमें फोकस करना है। चलो, अच्छा लगा, दो तीन स्टूडेंट्स ने जो बताया, तो इसी तरह सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बताते रहो, ताकि हमें लगे कि हाँ सुन रहे हैं स्टूडेंट्स। आज 2 तारीख है, आकांक्षा वर्मा, प्रेजेंट सर। आंचल, यस सर। अनमोल, अन्नू, प्रेजेंट सर। अनमोल प्रेजेंट है बट उसका माइक नहीं ऑन हो रहा। अच्छा प्रेजेंट है, ठीक है, चलो। पहले तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो ले ही लेते हैं पहले अटेंडेंस। भविष्य में कभी आप ये सब वीडियो वगैरह देखेंगे, यूट्यूब में भी इसको डाल देंगे, तो एक मेमोरी बन जाएगी, एक अच्छी एक स्मृति बन जाएगी। अनुराधा, विभूति, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट धर्मवीर, सर। दिव्या, प्रेजेंट सर। महीप, प्रणाम सर। प्रेजेंट पल्लवी, सर। राजनंदनी, प्रेजेंट सर। साक्षी, साथी, सुमन, प्रेजेंट सर। शिखा, शिवशरण, शुभ्रा, प्रेजेंट सर। सोनम, श्वेता, प्रेजेंट सर। जो एब्सेंट है उनके नाम बोल रहा हूं मैं, अनुराधा यादव, साक्षी, शिखा यादव और शिवशरण जायसवाल और सोनम कुमारी। शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, ही पृथ्वी शांति, रापह शांति, रोषदयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। तो आप लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। सर। प्रणाम।